बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू सईद टॉक्स। आज शाम यानी 17 फरवरी 2021 को FCC सर्टिफिकेट के ऊपर सैमसंग गैलेक्सी A52 5G और 4G वेरिएंट लिस्ट होकर आ चुके हैं। दोस्तों मैं बात करूं सो कि 4G वेरिएंट्स और 5G वेरिएंट में यहां पर क्या डिफरेंस होगा, इन दोनों स्मार्टफोनों की यानी कि इन दोनों वेरियंट्स की प्राइस क्या होगी, कन्फर्म स्पेसिफिकेशन क्या होगी, पाकिस्तान में कब आने वाला है, सब कुछ आज बताने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आती है यार तो लाइक जरूर कीजिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, 1K तक पहुंचा दो, बस 20 सब्सक्राइबर रहते यार 1K कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया रहेगा मेरे भाई अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो। सो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे तो दोनों वेरिएंट यानी कि 4G और 5G वेरिएंट दोनों में यहां पर आपको 6.4 इंचेस के आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। दोस्तों यानी जो 5G वेरिएंट और 4G वेरिएंट स्मार्टफोन है 6.4 इंचेस के आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद फुल HD प्लस डिस्प्ले मेरे भाई सैमसंग गैलेक्सी A52 के मैं बात कर रहा हूँ। प्रोटेक्शन के बारे में बात करें, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है स्मार्टफोन में, 120 हर्ट्ज तक आपको रिफ्रेश रेट भी मिलेगा मेरे भाई। अब अगर बात करें 4G वेरिएंट के चिपसेट के बारे में बात करें यानी सैमसंग गैलेक्सी A52 4G वेरिएंट की अगर चिपसेट के बारे में बात करें, क्वालकम स्नैपड्रैगन 720G वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। वेरिएंट्स की यहाँ पर बात करें तो 6GB रैम 128GB की बिल्ट इन स्टोरेज आपको 4GB मतलब कि 4G वेरिएंट वाले स्मार्टफोन में आपको मिल जाती है। अब अगर 5G वेरिएंट के बारे में बात करें, चिपसेट के बारे में बात करें, 5G वेरिएंट की चिपसेट के बारे में बात करें, क्वालकम स्नैपड्रैगन 750G 8 NM के ऊपर बेस्ड है, 8GB रैम 256GB की बिल्ट इन स्टोरेज, ये वाले वेरिएंट जो दोस्तों आपको 5G वाले वेरिएंट में आपको मिलेंगे यानी कि सैमसंग गैलेक्सी A52 5G वेरिएंट में आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 750G 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड और 8GB रैम 256GB की बिल्ट इन स्टोरेज आपको मिलेगी मेरे भाई। अब अगर क्वाड कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो दोनों में आपको सेम जो है बैक क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल जाएगा यानी कि 64 मेगापिक्सल तक आपको मेन सेंसर मिलेंगे मेरे भाई। फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर बिल्कुल सेम है मेरे भाई, यानी कि पंच होल के साथ नहीं मेरे भाई, जस्ट यहाँ पर आपको सेंटर में आपको एक मतलब के होल मिल जाएगी सेल्फी शूट कैमरा जो कि 32 मेगापिक्सल के ऊपर जो है वो बेस्ट है मेरे भाई। अब यहाँ पर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की बात करते हैं, चार्जर की बात करें, 5000mAh की बैटरी आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाएंगे यहाँ पर और 25 वॉट की एक फास्ट चार्जर आपको मिल जाती है। अब बात करें जो 4G वेरिएंट की प्राइस क्या होगी पाकिस्तान में, 4G वेरिएंट की जो प्राइस है पाकिस्तान में सैमसंग गैलेक्सी A52 दोस्तों उसकी प्राइस होगी कंफर्म प्राइस 60,000 रुपए और 5G वेरिएंट सैमसंग गैलेक्सी A52 की जो प्राइस है पाकिस्तान में 8GB रैम 256GB की बिल्ट इन स्टोरेज की जो प्राइस है पाकिस्तान में वो है 70,000 रुपए मेरे भाई। अब अगर लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करें दोस्तों तो ऐसा बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू रूमर्स एंड लीक्स ऐसा बताया जा रहा है कि मार्च के एंड में ये स्मार्टफोन आपको मिल सकते हैं, या तो मार्च के महीने में ये स्मार्टफोन आएंगे या तो मार्च के एंड में आपको ये स्मार्टफोन मिल सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको 5G स्मार्टफोन पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। दोस्तों क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि 5G स्मार्टफोन मतलब कि 5G पाकिस्तान में है नहीं, तो आपको क्या जरूरत है कि 5G स्मार्टफोन आप जो है वो एक्स्ट्रा पैसे देकर आप खरीद ले मेरे भाई। तो 4G वेरिएंट दोस्तों वो सबसे बेस्ट रहेगा, मेरी सजेशन आपके लिए यही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली मरतबा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स हमेशा की तरह मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, फीस को जाती जाएगा, बाय बाय, लाइफ स्टेकर पाकिस्तान जिंदाबाद।